बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल मेरे छोटी सी दुनिया। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। प्यारे दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है मेडिसिन से रिलेटेड एरेनिक सिरप के बारे में। आज मैं आपको बताऊँगी कि इसके फ़ायदे क्या है और उसका इस्तेमाल कैसे करना है और किस मकसद के तहत हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चों में इसके क्या फ़वाद हैं। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगी कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो आप तक पहले पहुँच सके और मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं कि एरेनिक सिरप क्या है। पहले दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा है दोस्तों, ये एबट कंपनी की प्रोडक्ट है एरेनिक सिरप, और ये 120 ml पैकिंग पर जो है मबनी होती है। दोस्तों, एरेनिक सिरप में दो फॉर्मूलेशन है, एक आइब्यूप्रोफेन एंड सेडियोपैरिडिन। आइब्यूप्रोफेन जो है स्पेशली ब्रोफेन में इस्तेमाल किया जाता है। आप सबको पता है कि ये पेन के लिए, बुखार से पेन हो या किसी भी हवाले से पेन हो तो इसको ये रिलीफ करता है। पहले दोस्तों, एरेनिक सिरप के फ़ायदे क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो है पाइन एप्पल एंड बनाना फ्लेवर में हमारे पास मौजूद है। दोस्तों, एरेनिक सिरप के फ़ायदे ये है कि ये आपका नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, इन तमाम चीज़ों को ये दूर करता है। साथ ही साथ जो इसमें मौजूद नहीं है, इसके जो है इसकी बॉटल पे या इस पे जो लिखा हुआ है उसमें ये मेंशन नहीं है, तो मैं आपको बताऊं कि ये और किन चीज़ों के लिए जो है फ़ायदेमंद है। एरेनिक सिरप ना सिर्फ नज़ले में प्यारे दोस्तों ये, बल्कि आपकी खांसी को भी दूर करती है, ये आपके गले की खराश को दूर करती है। अगर आपका गला ख़राब हो तो इसमें भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। एरेनिक सिरप का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि प्यारे दोस्तों, ये आपके नेजल कंजेशन को भी दूर करता है, यानी अगर जिनकी नाक बंद हो, जिनको साइनोसाइटिस का मसला हो, ये उसमें भी आराम पहुंचाती है। और साथ ही साथ अगर नज़ला, बुखार या ज़ुकाम की वजह से या किसी भी हवाले से आपकी बॉडी में पेन हो रहा हो किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से, तो ये उस बॉडी पेन को भी ये रिलीफ करती है। प्यारे दोस्तों, ये साथ ही साथ आपके बुखार को ख़त्म करती है, आपके नज़ला, ज़ुकाम और आपकी अगर नाक बंद हो या रनी नोज़ हो, इन तमाम चीज़ों में ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये स्पेशली बच्चों में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है। ये एबट कंपनी की बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि एबट कंपनी एक मल्टी इंटरनेशनल कंपनी है और उसकी दवाइयाँ बहुत बेस्ट होती हैं। दोस्तों, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। एरेनिक का इस्तेमाल अगर बच्चा जो है वो 1, 2 या 3 मंथ का है तो उसको आप ड्रॉपर के तहत इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर बच्चा 6 साल की उम्र से है या 5 साल की या 4 साल की उम्र से, तो आप उसको चम्मच के थ्रू आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर बच्चा 2 साल या 3 साल या 4 साल की उम्र में, तो आप उसको 4 साल की उम्र तक आपने आधा चाय का चमचा जो है दिन में 3 दफ़ा उसका इस्तेमाल करना है। अगर 6 साल की उम्र से है तो आपने 1 चाय का चमचा दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करना है, और अगर 6 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों में इस्तेमाल करना है तो आपने 2 चाय के चम्मच दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करना है। प्यारे दोस्तों, ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है और नज़ला, ज़ुकाम, बुखार के लिए बहुत बेस्ट है, गले की ख़राबी के लिए या नेजल कंजेशन और साइनोसाइटिस के लिए बहुत मुफीद है। प्यारे दोस्तों, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि अगर आपके बच्चों को इन तमाम कंडीशन में से अगर कोई भी जो है सिम्टम नज़र आ रहे हैं, तो आप उसको एरेनिक का सिरप दे सकते हैं। ये बहुत बेस्ट जो है प्रोडक्ट है, आप इसको इस्तेमाल कीजिए और जो है अपने नज़ला, ज़ुकाम, बुखार में आप आराम पाइए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और फिर से कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरी मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आ सके। प्यारे दोस्तों, थैंक्सफुल हूँ मैं आप सबकी कि जिन लोगों ने मेरी वीडियोस को लाइक किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, और मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, जो नहीं देखते जो देखते सबका। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।